नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आपने भी अपने घरों में लौकी के पौधे लगा रखे हैं लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणवश उनमें फल फूल नहीं आ रहे हैं? तो ऐसे कौन से केयर टिप्स हैं, ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिनका उपयोग आपको अपने लौकी के पौधे पर करना चाहिए, उसके विषय में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लौकी में एक ऐसे फर्टिलाइज़र के उपयोग के विषय में जिसको डालने के बाद दोस्तों आपके लौकी के पौधे में बहुत तेज़ी से विकास देखने को मिलेंगे, साथ में जो आपके लौकी के फल उत्पादन है उनमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाएगी। अभी आप लौकी का पौधा देख रहे हैं, इनमें अच्छे खासे देख सकते हैं फल लग रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फल लग रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपके भी लौकी का जो फल लगेगा उनमें एक अलग वही चमक होगी, साथ में फूल आने की जो संख्या है, जो मेल फूल है एंड जो मादा फूल है उनके आने की संख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाएगी। इससे जो लौकी का फल उत्पादन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। बहुत से लोगों द्वारा दोस्तों अपने घरों में अपने घरेलू उपयोग के लिए लौकी के पौधे लगाए होते हैं लेकिन उनमें फल नहीं आते हैं। तो आज हम बता रहे हैं इसको डालने के बाद आपको दोस्तों ये जो शिकायत है लौकी में फल ना लगने की, ये समस्या दूर हो जाएंगी। और साथ में यदि आप लौकी का पौधा से लौकी के जो फल होते हैं वो गिरते हैं पीले पड़ पड़ के, उसकी भी समस्या दोस्तों ये फर्टिलाइज़र से दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए आपको हम फर्टिलाइज़र बताने की विधि बता देते हैं। और अभी आप जो पौधा देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना पौधा होने के बावजूद इनमें अच्छे खासे मात्रा में अभी फल दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं फर्टिलाइज़र बनाने की विधि और किस तरह से इन पर प्रयोग आपको पौधे में करना है जिससे आप जो लौकी का उत्पादन बेहतर तरीके से ले सकेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, आपको आवश्यकता होगी देख सकते हैं 5 से 10 ग्राम सीवीड की आवश्यकता, जो कि समुद्र की तलों में जो उनके घास पाए जाते हैं उनसे बनाया जाता है। साथ में आपके चाहिए होगा सरसों की खली और एक सरसों का तेल, और आप चाहे तो उसमें जो DAP होती है काले रंग की उसको मिला सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने दोनों तीनों चीज़ों को मिला लिया है, साथ में इसको भी दोस्तों इसमें मिला लिया है और मैंने पहले ही अपने पौधे में डाल दिया था। तो इसको डालने से पूर्व दोस्तों आपके अपने के जो पौधे हैं उनका जड़ है उनकी अच्छी तरीके से केयर टिप्स कर लेनी है, जैसे मैं आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों उन सबको मिलाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा जो कि एक काले रंग का होगा। आप यदि इसमें चाहें तो लगभग 400 से 500 ml पानी की मात्रा एक पौधे के लिए ले सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों ये पौधे के पास आ गए हैं। तो हम जो खाद डालेंगे या फटी, उससे पहले दोस्तों अपने पौधे को अच्छी तरीके से कोड़ाई कर लेना है, जड़ के आसपास को अच्छी तरीके से दोस्तों कोड़ लेना है जिससे जो खरपतवार है वो निकल जाए। देख सकते हैं दोस्तों जो मिट्टी है वो भुरभुरा हो चुका है, इसमें दोस्तों मैंने इसका प्रयोग कर लिया है जिसके कारण जो हमारा मिट्टी है देख सकते हैं भीगा भीगा दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे करने के बाद इसमें 400 से 500 ml पानी डाल दीजिए, उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, उसका उपयोग दोस्तों आप पौधे में कर दीजिए। आपका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएगा। आपको बता दें इसमें सरसों का तेल है और जो सी फीड आता है जो कि समुद्र के तल के खरपतवारों से बनते हैं वो है साथ में, और एक काले रंग की DAP है, सरसों की खली है। तो लगभग तीन से चार चीज़ मिलने के बाद दोस्तों इसको डाला गया है। तो आप भी ऐसा करने के बाद अपने पौधे में इसको डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इनका प्रयोग कर लिया हूँ जिसके कारण देख सकते हैं मैं अभी इनका उपयोग नहीं कर रहा। तो ये था इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।